हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.3। तथा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो, इसको कौन सा विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। इसके कई सारा विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल कर, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। और इसका और सारा विधि है, विलोपन विधि है, बर्जगुणन विधि है, ग्राफ विधि है। चलिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पर बात करेंगे कि हल करने के कितने सारे विधि है, सब विधि के बारे में हम बात करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के कितने विधियाँ हैं? तो हल करने के तुम्हारा चार विधियाँ दिया हुआ है। पहला है ग्राफीय विधि, जो आपको हम पहले ही कुछ प्रश्नावली में बताए थे 3.2 में। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि, चौथा है बर्जगुणन विधि। ये चार विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। अब हम बताएंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्मों के किसी एक समीकरण को एक चर का मान, किसी एक समीकरण आपको दो दिया रहेगा, किसी एक समीकरण को एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म, देखो रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है कि दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। के किसी एक समीकरण को, अगर दो समीकरण दिया रहे तो किसी एक ही समीकरण को हम तोड़ करके एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करेंगे, करने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर मेरा समीकरण कितना दिया है? समीकरण दो दिया, एक और समीकरण या दो। यहाँ कहता निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ समीकरण एक और समीकरण दो दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि किसी एक समीकरण को एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। किसी एक समीकरण युग्म के किसी एक ही समीकरण को चेंज करना है। यहाँ पर दो समीकरण दिया है, तो किसी एक समीकरण क्या करेंगे हम? चेंज करेंगे, या तो एक को करो या तो दो को करो, किसी एक के पदों में व्यक्त करना है। तो हमको आसान, अगर समीकरण दो लग रहा है तो दो को भी कर सकते हैं, और आसान एक लगे तो एक को भी कर सकते हैं। यहाँ हम समीकरण दो को कर रहे हैं, समीकरण दो से। समीकरण दो से क्या दिया है? एक्स माइनस वाई बराबर चार दिया, और y को ए साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस वाई। यहाँ x बराबर क्या आ गया? 4 प्लस वाई। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण एक में x का मान, समीकरण एक में x का मान एक्स का मान रखने पर, इसमें समीकरण एक में एक्स का मान इसलिए रखने क्योंकि समीकरण दो को तो हम चेंज कर दिए हैं, तो समीकरण एक में क्या करेंगे हम? एक्स का मान डालेंगे। समीकरण एक आपको कितना दिया है? एक्स प्लस वाई बराबर 14। समीकरण एक में एक्स का मान डालेंगे तो समीकरण एक का मान तुम्हारा दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 14, जबकि मेरे पास ये भी दिया है एक्स बराबर क्या दिया है? 4 प्लस वाई। समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर एक्स बराबर क्या है? 4 प्लस वाई। एक्स बराबर क्या डालेंगे हम? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, और ये वाई तो पहले से ही है, बराबर कितना है? 14। अब वाई वाई कितना हो जाएगा? 2y। 4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2y बराबर कितना हो जाएगा? 14। अब 4 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या होगा? यहाँ पर हम या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2y, 4 उस बगल जाएगा तो क्या होगा? 14 माइनस 4, 2y बराबर क्या हो जाएगा? 10। इसको y बराबर क्या लिख सकते हैं? 10/2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो मेरा y का मान कितना आ गया? y बराबर आ गया 5। y बराबर 5 है तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर क्या लिखा है यहाँ पर? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई के मान कितना आया? 5। क्या जाएगा? एक्स के मान कितना जाएगा? 9।
यहाँ पर एक्स के मान हो जाएगा 9 और वाई के मान हो जाएगा 5। यहाँ पर लिखा था एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 14। तो एक्स और वाई दोनों के मान मिला के 14 था। तो देखो यहाँ एक्स के मान कितना निकला, 9 निकला, वाई के मान 5 था। 9 5 कितना हो जाएगा 14। यह मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया।